ग्रिफिन और आप देख रहे हैं ग्रिफिन स्पोर्टी। ग्रिफिन स्पोर्टी में आपको खुश आमदीद। तो आज मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ एग को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से फायदे होते हैं, इसको कैसे किस डिजीजे से बचने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे डिजीजे होती हैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। एग के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बताया था कि अंडे से निकाल के हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देखिए जरूर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम कोलीन को डिस्कस करेंगे जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये कोलीन एग के अंदर मौजूद होती है जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अगर बेबी की पैदाइश से पहले अगर मदर को अंडे दिए जाएं तो इसके अंदर कोलीन होता है जो उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है इसमें हेल्प करता है। इसके बाद आता है वांट टू बी हैप्पी। अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं तो अंडे खाएं। अंडे में क्या होता है कि कोलीन जो होता है वो अंडे में मौजूद होता है और ये जो हैप्पीनेस के हार्मोन होते हैं उसको रिलीज करता है, जिससे हमें हैप्पीनेस फील होती है, जैसे डोपामाइन है और सीरोटोनिन है। ये हैप्पी हार्मोन्स हैं और ये रिलीज होते हैं जब हम अंडे खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोलीन होता है, ये इसको रिलीज करने में हेल्प करता है और हमें हैप्पीनेस फील होती है। इसके बाद लेसिथिन है, एसेंशियल फॉर मेमोरी डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी जो मेमोरी होती है वो वीक होती जाती है। अगर हम ये एग खाएं इससे लेसिथिन हमें हासिल होगा जो कि मेमोरी डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है और हमारी मेमोरी को अच्छा करता है। और इसके बाद गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स फॉर मसल डेवलपमेंट। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है कि जितने भी इसके अंदर प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी को लगती है, यूज होती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी का पार्ट बनती है। तो ये इसमें इसलिए से गुड क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ये प्रोटीन होती है वो सारी के सारी हमारे जिस्म को लग जाती है और हमें हेल्प करती है। इसके अंदर ल्यूसिन होता है, कंट्रीब्यूट टू मसल एबिलिटी टू यूज एनर्जी एड इन पोस्ट एक्सरसाइज मसल रिकवरी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें जो एनर्जी होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जब हम अंडे खाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसकी मसल की रिकवरी में हेल्प करती है, क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन होती है और ये हेल्प करती है मसल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद ल्यूटीन और जैंथिन प्रिवेंट आईज, जो आईज होती हैं उसके अंदर हमें नजर आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है, इसकी मसल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमारी आई साइट कम होती जाती है और इसको कम करने के लिए हमें अंडे खाने चाहिए, ताकि इसके अंदर जैंथिन और ल्यूटिन होता है जो हमारी आइस की जो डी जनरेशन होती है उसको कम करता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग बोन्स, इसके अंदर विटामिन डी होता है जो हमारे बोन्स के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये फिश सबसे ज्यादा जो विटामिन डी होता है वो हमें फिश से हासिल होता है, लेकिन वह जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो फिश के बाद अगर बात की जाए तो एग के अंदर होता है। एग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इससे में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूज करना चाहिए इसका। लो कैलोरीज, नेवर लेट यू बिकम ओबेस। अगर आप इसके अंदर ऐसी प्रोटीन होती है जो सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है और आपको मोटा नहीं होने देती, क्योंकि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आपकी जो एनर्जी जो स्टोर होना नहीं होती वो आपको सिर्फ मसल हेल्दी रखती है, और दैट मीन्स यू कुड लॉस 3 पाउंड ऑफ मोर पर मंथ। अगर आप अंडे खाएं इससे आपकी कैलोरीज पूरी होती रहेगी एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिसम की और जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती हैं वो आपको बर्न होने में हेल्प करती है। इसके बाद कंज्यूम एग बिफोर यू बिकम एग, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि विटामिन ए है जो ये सीरम की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग डैंड्रफ, जो डैंड्रफ होते हैं उसको आप मिटाता है, और प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ लैप्स और प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट हेयर लॉस। जो विटामिन ए होता है उसके सारे फायदे हैं कि जैसे 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 हम एग खाते हैं तो हमारे जो गंजापन है वो कम होता है, हमारी जो हेयर की डेवलपमेंट होती है वो अच्छी होती है। हम एग को यूज करते हैं पहले जमाने में लस्सी के अंदर, हम अंडों को डाल के मिक्स करके वो हम हेयर्स पे लगाते थे ताकि इसके अंदर जो हम हेयर्स हैं वो हमारे खराब ना हो, और इसलिए हम इसे यूज करते हैं। जो विटामिन डी है मैंने पीछे भी बताया कि वो एक तो बोन्स की डेवलपमेंट हेल्प करता है, दूसरा जो इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ हेयर्स, हेयर का जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करता है और उसको स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। जो विटामिन ए होता है प्रमोट हेयर ग्रोथ, जो आपकी हेयर की ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, और
प्रोटेक्ट हेयर अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज एंड पोल्यूशन, जितने भी पोल्यूशन से आपके हेयर्स खराब हो रहे हैं और अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनसे आपके हेयर्स खराब हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है, ये वाइटामिन ई की वजह से कम करता है। और ये सारे जो वाइटामिन हैं ये एग के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नॉट द राइट वे टू अप्लाई एग्स ऑन हेयर, हेयर को ऐसे नहीं अप्लाई करना, अप्लाई एग्स मेक हेयर स्मूथ, जो कंडीशनर्स होते हैं गिव शाइन्स टू हेयर बिकॉज इट डज नॉट स्वीप द नेचुरल ऑयल हेयर लाइक शैम्पूज। उसके बाद जो सबसे सस्ता तरीन जो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन हासिल करने का जो सोर्स है वो यही है, 10 रुपये में आपको अंडा मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात की जाए मिल्क की, वो भी महंगा है, और बीफ मटन जितने भी ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, इससे भी प्रोटीन हमें जो एनिमल से प्रोटीन हासिल होती है वो अच्छी होती है, वो हमारे जिस्म को जल्दी लग जाती है, और लेकिन वो कॉस्टली होती है, इसलिए हम एग्स को कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये एक तो सस्ता सस्ता पड़ता है और इसकी जो प्रोटीन होती है वो अच्छी होती है। व्हाट डू यू व्हाट टू ईट, आप इसमें से क्या पसंद करेंगे, अंडे खा के आप हेल्दी रहेंगे या टॉफियां वगैरह खा के आपकी बीमारियां या दांत अपने खराब करेंगे। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज, ये आप देख रहे हैं कि कच्चे अंडे इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोज के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अब तक मेरी हर वीडियो पहुंचती है।